अभी अभी ट्वीट आया है आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिला था। उन्होंने 15 माह में नियमित नहीं करने पर खेद व्यक्त किया, माफ़ी मांगी और कहा कि उपचुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इस पर मजाक उस पार्टी का किए हुए वादे का मजाक उड़ाते हुए आदरणीय गृहमंत्री वर्तमान सरकार के नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि ये ढकोसला है, आपके वादे हैं, इस पर सर जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं कहता हूं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से, आप गृहमंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, आप काफ़ी संवेदनशील नेता है, आपको उस वादे का जवाब ट्वीट करके नहीं हम गरीब असहाय अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देना चाहिए, जो पिछले 12 वर्षों से आपकी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। 15 महीने की सरकार नहीं कर पाई तो 12 साल से आप डटे और पुनः आप आ गए हैं, तो आप उपचुनाव के पहले हमें नियमित कर दीजिए। कार्यकर्ता बनकर लाखों लाख अतिथि शिक्षक आपके लिए काम करेंगे। जब वो झूठी परे भी सरकार है तो आप तो सत्यवादी सरकार के नेता हैं। आप उपचुनाव के पहले हम लोगों को नियमित कर दीजिए, आपका गुणगान करेंगे, एहसानमंद होंगे और हजारों गरीब परिवारों को रोजी रोटी मिलेगी, शिक्षित बेरोजगार आपके लिए काम करेंगे। इसलिए आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से उस ट्वीट के लिए अतिथि शिक्षकों के प्रदेश नेता होने के नाते यही निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियमित कर दीजिए उपचुनाव के पहले। हम पूर्ण रूप से आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे, वरना उपचुनाव के पहले अगर आप नियमित नहीं करते तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। धन्यवाद।